लखीमपुर खीरी में हिंसा में हुई 8 लोगों की मौत, राकेश टिकैत ने दिया बयान, कहा कार्रवाई न होने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। लखीमपुर खीरी में किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने लगाया जाम, जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन, अपने समर्थकों के साथ चौराहे पर ले तेज सवित मलिक। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश, किसानों ने अपराधियों पर की कार्रवाई की मांग, आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान देंगे धरना। चित्रकूट दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम, जनसभा के में भीड़ जुटाने के लिए सभी पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारू त्यागी। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई झड़प में 8 लोगों की मौत के बाद मामला बेहद ही गर्मा गया है। लखीमपुर में किसान रात से धरना दे रहे हैं, इनकी मांग है कि दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती वो धरना जारी रखेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने सुबह 4:30 बजे के करीब लखीमपुर खीरी पहुंच गए थे और उन्होंने लखीमपुर के एक गुरुद्वारे में किसानों की कमेटी के साथ बैठक की और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। बैठक से पहले राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। राकेश टिकैत ने किसानों से बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल पूरे लखीमपुर खीरी में धारा 144 लगा दी गई है और नेताओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मामले में FIR भी दर्ज की जाएगी और FIR में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम होना भी तय बताया जा रहा है। वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी की टक्कर से किसानों की मौत हो जाने के विरोध में किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने गुरुद्वारे तिराहे पर जाम लगाते हुए विरोध दर्ज कराया और इस दौरान किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक अपने समर्थकों के बीच चौराहे पर लेट गए, जिन्हें मनाने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगे रहे और ऐसे में ज्ञापन देकर किसानों की तरफ से लगाए गए सांकेतिक जाम को खोल दिया गया। बता दें किसानों के सांकेतिक जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से रूट भी डायवर्ट किया गया था जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में किसानों की तरफ से काले झंडे दिखाए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया और समर्थकों और किसानों के बीच हुई कहासुनी के बाद केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी को दौड़ा दिया जिसकी चपेट में आने से कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बताया ये भी गया है कि घायल किसानों में से कुछ की मौत हो जाने की सूचना पर पूरे देश में आग की तरह ये फैल गई बात, जिसके बाद शामली में भी किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक अपने समर्थकों के साथ विरोध दर्ज कराने के लिए गुरुद्वारा चौक पहुंच गए। जैसे ही किसानों की तरफ से जाम लगाए जाने की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो COCT प्रदीप कुमार, SDF संदीप कुमार, कोतवाली प्रभारी पंकज त्यागी, आदर्श मंडी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन मान मनबल लिए किए जाने के बावजूद भी किसान नेता सवित मलिक बीच चौराहे पर ही सड़क पर लेट गए और किसानों की मौत पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने BJP सरकार पर आरोप लगाया कि तानाशाही सरकार चल रही है और शांतिपूर्वक किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है, अब किसान सड़कों पर उतर कर विरोध करेगा, ये सरकार जनता की नहीं बल्कि जनरल डायर की सरकार है जो किसानों को कुचलने का काम कर रही है। और इस दौरान उन्होंने DM से संबंधित एक ज्ञापन SDM को देते हुए केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की थी, जो मुकदमा अब दर्ज हो चुका है।
मामला ये है, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का लखीमपुर में विरोध किया जा रहा था, लेकिन कुछ शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, प्रदर्शन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। वहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई आके और जलियांवाला बाग जैसी घटना किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी के साथ साथ अपने पिस्टल से फायर कर किसानों को, लगभग चार किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की है। अब हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो मिश्र हैं उन्हें भी जो है पद से बर्खास्त किया जाए, उनके पुत्र और गृह राज्य मंत्री के को भी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है फांसी की सजा हो, उन्हें बचाने का काम प्रशासन बिल्कुल ना करे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए। ये धरना कब तक रहेगा आपका? धरना जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती रहेगी, जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा और धरना चलता रहेगा। तक ये बीजेपी ने हमारे किसान रोड पे बैठे थे, हमको भी मार दो, हम लोग नहीं हटेंगे, हमारे निर्देश किसानों की हत्या ली है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर हमारे निर्देश किसानों को मारा है, हम लोग जो है शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार तानाशाह सरकार है, हम लोग जो है ये जनरल डायर से भी ऊपर की सरकार है, हम लोग जो है शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमको कुचल कर मारना चाहते हैं, इसलिए हम सड़क पर लेटे हैं कि आप आइए और हमको कुचलिए। अच्छा सभी जी, आपकी तबीयत भी खराब है आज सुबह से? मैं सुबह से बोतलें लगवा रहा था, तबीयत खराब है, लेकिन किसान से बढ़ के कुछ नहीं है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद पूरे देश भर में किसानों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। शामली में भी नजारा देखने के लिए मिला, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दो तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, एक शामली की, एक पीलीभीत की है, जहां पर लखीमपुर खीरी में जो कल हुआ उसके बाद किसानों में, देश भर के किसानों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और इसी कड़ी में शामली में भी विरोध प्रदर्शन किया गया इसके खिलाफ। उधर पीलीभीत की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कल लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के बाद पूरा मामला जो है अब गर्माता हुआ जा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना पर अब सियासत भी खूब देखी जा रही है और इसीलिए कल रात से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आज राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी सुबह पहुंच गए थे 3 से 4 बजे के करीब। वहीं कल रात शामली में भी काफी धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जबकि पीलीभीत की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सड़क पर बैठकर किसानों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि रास्ते में जगह जगह पर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। प्रियंका गांधी के सीतापुर जिले के सिंधौली पहुंचने की सूचना थी, ऐसे में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई लगातार ट्विटर के जरिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले के आगे बढ़ने और पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कथित प्रयास किए जाने संबंधित जानकारी साझा कर रही थी। वहीं कांग्रेस ट्विटर पर नाकों पर पुलिस की तरफ से काफिले को रोके जाने का वीडियो भी शेयर किया गया। हालांकि आपको बता दें इससे पहले पार्टी ने आशंका जताई थी कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस नजर बंद कर सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार के लखीमपुर खीरी दौरे का विरोध करने को लेकर भड़की हिंसा में घायल हुए किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जा रही थी, जिन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी किसानों के परिवार से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हालांकि पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी को वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था। इस बीच पुलिस के कर्मियों से उनकी कुछ झड़प भी हुई, जिसमें कहा सुनी भी हुई उनकी पुलिस से, और ऐसे में वो बार बार कह रही थी कि आप वारंट दिखाइए, आप किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, जिस तरह से देखा जाए लखीमपुर खीरी में कल जो हिंसा हुई, चार किसान इसमें मारे गए हैं, उधर सियासत भी इस पर खूब की जा रही है, प्रियंका गांधी मिलने जा रही थी लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया था।
पारुल देखिए सबसे पहले बता दूं कि जब ये सूचना मिलती है कि लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा हो रहा है तो उसकी सूचना के बाद ही दिल्ली से सीधा रवाना होती है लखनऊ के लिए और लखनऊ से सीधा रास्ते के जरिए वो लखीमपुर पहुंचने की कोशिश करती है। जाते हुए उसको रोक लिया जाता है वहाँ कुछ जगह पे उन्होंने चकमा देकर जगह पे पहुंचने की पूरी कोशिश करती है लेकिन ब्लॉक कंपन जो है वहाँ पे भी उसको रात को रोक दिया गया था। कुछ टाइम तक पहले इनसे बहस हुई पुलिस से काफी टाइम तक उसके बिना सोच रही है उन्होंने कहा वारंट दिखाइए बदले जा रहे परिवारों से जिस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा गुजरा है उन परिवारों के साथ मैं भी बातचीत करना चाहती हूँ लेकिन पुलिस का रवैया था इसके लिए काफी सख्त नजर आ रहा था। प्रियंका जी की अगर आप बात करते हैं इसके अलावा और भी अपने गाँव की बात अगर कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बता दूँ पालनपुर की जो ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही है लखनऊ में लखीमपुर में हादसा हुआ लेकिन लखनऊ समेत ही पूरे उत्तर प्रदेश में अब चपेट की आ चुका है पूरे मामले को लेकर। अभी अखिलेश यादव अपने घर के बाहर बैठे हुए धरना दे रहे हैं और उसकी मांग है कि किसी तरीके से वो सबको पहुंचने दिया जाए लखीमपुर लेकिन वहां पे उनको रोका रखा गया है धरने पे बैठे हुए अखिलेश यादव। इसके साथ ही साथ बता दूं शिवपाल यादव है वो उनको रोक के रखा गया था घर पे अलग करके रखा गया था लेकिन शिवपाल यादव की भी सूचना यही मिल रही है कि उन्होंने भी पीछे से रास्ते निकलते हुए लखीमपुर जाने वाले रास्ते को पकड़ लिया है। अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो की बीएसपी सुप्रीमो की भी सूचना यही मिल रही थी कि वो पहुंचेंगे लेकिन रात में सतीश चंद्र मिश्रा वो निकले थे घर से लेकिन उनको भी नजरबंद कर दिया गया था। फारूक कोटला के कहा जा सकता है कि रात से लेकर अभी तक में जो पूरा प्रकरण है इसमें पुलिस पूरी तरीके से सख्त रवैया अपना रही है क्योंकि रात में ही पीएसपी अपने लोगों के साथ बैठा था रही करते हुए खास तौर से कहा है कि धारा 144 लागू हो चुकी है और ऐसे मामले में कोई भी बिल्कुल रूबी और कहीं ना कहीं सियासत इस पूरे मामले को लेकर होती हुई दिख रही है। देखिए जानकारी ये भी मिल रही थी कि प्रियंका गांधी की टीम को ये पहले से ही आशंका थी कि अगर वो वहां पर जाएंगी लखीमपुर खीरी जाएंगी तो नजरबंद उन्हें कर दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी वो गई और यही हुआ कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। तो यानी कि पूरा पूरा देखा जाए तो ये चुनावी स्टंट ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बहुत क्योंकि ऐसे मौके होते हैं जब अपने स्टंट को घुमाने की कवायद होती है क्योंकि अभी मौका ये था सभी लोगों को एक साथ बैठ के बातचीत करने का लेकिन अब सभी का रुख लखीमपुर की तरफ पहुंचने का हो रहा है चाहे सरकार हो या प्रशासन हो काफी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं कि हालात को संभालने के लिए। वही अभी लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी जी लोग समझना भी नहीं चाह रहे इस मसले को लेकर कितना बिल्कुल रूबी। और जो लोग ये कर रहे हैं जो लोग हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से आधे लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पूरे मामले की जानकारी भी नहीं होगी। बिल्कुल क्योंकि लगातार कांग्रेस ऑफिस की अगर हम बात करें वहाँ पे कार्यकर्ता हो या भीड़ हो इन दोनों में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है वो भीड़ है या फिर वो कार्यकर्ता ही है या समर्थक ही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी हालात यही देखने को मिल रहा है बीजेपी की कार्यालय में भी यही देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जब मौका मिल रहा है ऐसे रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। हर एक नेता लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से वो लखीमपुर पहुंचे और लखीमपुर में जो वहां का जो माहौल है वो खास तौर से रातों रात पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया वहां पहुंचने के लिए कोई भी संभावना नहीं दी जा रही है कि वहां पहुंच के जो वाहन शॉर्ट हो दिया जाए। बिल्कुल रूबी ताकि कोई और वहां दूसरी घटना ना हो जाए इसीलिए ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे आप नजर बनाए रखेगा फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में कल जो घटना हुई जिसमें 4 किसान मारे गए हैं उसको देखते हुए अब पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है किसानों में साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। उधर प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही है तो अखिलेश यादव भी अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे वहां लखीमपुर खीरी जाने के लिए जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे जबकि मायावती ने भी ट्वीट कर कहा था कि वो वहां पर जाएंगी। इस पूरे के पूरे मुद्दे को सियासत से जोड़ा जा रहा है हालांकि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है धारा 144 लखीमपुर खीरी में लागू कर रखी है।
लखीमपुर खीरी में जो भी हिंसा हुई है उससे पूरे देश के किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ गया है। वहीं किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसानों ने अपराधी पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि रविवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान धरना देंगे। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी में चार किसानों की जान गई है। उसके बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। हालांकि किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान इस पूरे मामले को लेकर धरना देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज किसान डीएम दफ्तरों के बाहर धरना देंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में जो भी घटना हुई उसको देखते हुए पूरे देश भर के किसानों में आक्रोश है और इसीलिए कल रात से ही जगह जगह यूपी में किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कहा गया है कि आज देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसान धरना देंगे और जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी आरोपियों के खिलाफ तब तक किसानों का इसी तरह से विरोध वो दर्ज कराते रहेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद उग्र किसानों ने बीजेपी के बैनर पोस्टर होर्डिंग को फाड़ दिया है। वहीं सपा के तमाम नेता भी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ ही बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में उग्र किसानों ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी के बैनर पोस्टर जो है वो फाड़ दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सपा के तमाम कार्यकर्ता वहां के लिए रवाना हो गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो पीलीभीत का यह पूरा मामला है जहां पर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों ने बीजेपी के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा भी कर दी है। यानी कि इस पूरी की पूरी घटना को लेकर लखीमपुर खीरी की पूरी घटना को लेकर देश भर में किसानों में आक्रोश देखा ही जा रहा है, लेकिन आम लोग या फिर कहें कि नेतागण लोग में भी इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और इसीलिए शायद बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा कर दी है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना को देखकर एक तरफ किसानों में तो आक्रोश देखने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने भी अब बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा कर दी है, क्या कुछ वजह है? जी, आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला लखीमपुर खीरी में जो घटना जो हुई है उसको लेकर ये पूरा मामला है। यहाँ किसानों ने जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी भाजपा का दामन छोड़ने की बात कर दी है। जी बिल्कुल प्रांजल, यानी कि किसानों में तो नाराजगी है ही, बीजेपी नेताओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए लगातार जो जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार चल रहा है और जो लखीमपुर में जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं पार्टी के लोग भी जो है खासा नाराज देखने को मिले हैं। लोग पार्टी के लोग जो है नेता लोग जो है वो पार्टी को छोड़ने को तैयार हो गए हैं। जी चलिए प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी और आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ किसान तो बेहद ही नाराज और आक्रोशित हैं ही, लेकिन बीजेपी के नेता भी नाराज हैं और इसीलिए बीजेपी के युवा मोर्चा जिला महामंत्री यदविंदर सिंह सोनी ने बीजेपी का दामन छोड़ने की घोषणा कर दी है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज चित्रकूट दौरा है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यालय के चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 11 बजे एक जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो बता दें, उप मुख्यमंत्री का चित्रकूट दौरा है, जहां पर वो संबोधित जनसभा को भी करेंगे। मेरठ में हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और शहर के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर डाली। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। वहीं मां की मौत के बाद तीन बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पापा तो पहले यहाँ पे आए थे अंदर, मैं सोई पड़ी थी और मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आँख खुली ना, जब मैं वॉशरूम करने गई थी और जब पता चला, मैंने कहा कि पापा या मम्मी खून में कैसे पड़ी है। पापा ने कहा कि मैं चौमिन लाया था ना, उसकी चटनी भी खर गई और फिर मम्मी की वे ले गए थे कान के कुंडल और नाक की बाली और बिछवे वे ले गए थे। वे चले गए थे अंदर के संकल लगा के चले गए थे। फिर मैंने ऊपर जाके रुक के मचाए, कोई मोहल्ले वाला नहीं आया। फिर कोई आया था ना, फिर उससे मैंने संकल खुलवाई, फिर सबको बताया मैंने। मैं अपील करती हूँ तीन बेटियों के लिए, ये जनात बेटी, इनके लिए सरकार से इमदाद मिले। मैं भी बहुत लाचार मजबूर मजदूर औरत हूँ, मेरा आदमी भी अपाहिज है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बस की कुछ नहीं। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करती हूँ इन बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इनके घर बार के लिए। मैं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, जिला बिजनौर काजी खरीदपुर खेड़ की रहने वाली हूँ। जो मेरी बेटी पूनम थी, पूनम देवी, जो मेरी बेटी का हादसा करा, एक न करा दो न करा, मुझे मालूम नहीं। मेरी बेटी मुझे पड़ी भी मरी भी मिली। मेरे पर फोन करा गांव प्रधान, जब मेरी बात हुई प्रधान जी से, प्रधान जी ने कहा आपकी लड़की रेड हो गई। वहीं आगरा में पैसों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र में दो पक्षों में पैसे के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं घायलों में दो लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मेरे देवर बोल नरारे टमाटा, मेरे पति आए लेटरिंग करके, मेरे देवर दाब लिया तो मेरे आदमी ने उठाए हुए पीछे, तो मेरे आदमी ने पामरा मार दिया। किसने मारा था? बच्चा ने, उससे बेचारन ने, उससे बेचारा ने गोरी ने मारा पामरा। ये पूरा विवाद किस कारण पे आ रहा है? किस वजह से झगड़ा हुआ है? मारे पैसे आ रहे 2.5 लाख रुपये, उनने देने के मना कर दी। हम नहीं देते पैसे, तुम ले लो, कहाँ से लेंगे? हमसे गंदी गंदी गाड़ी दे रहे, हम नहीं देंगे, हमारा जे ले लो वो ले लो। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में शाही चौकी के पास बरेली से पीलीभीत आ रही प्राइवेट बस ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस भीषण हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जहां व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हाँ, दो पेशेंट आए हैं, एक तो ब्रॉड डेड है, उसे मॉर्चरी में रखवा दिया, दूसरा पेशेंट है उसको भर्ती कर लिया गया। किस तरीके की घटना हुई कुछ है जानकारी? तो नहीं, एक्सीडेंटल है बता रहे हैं, 160 से आए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।